गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज, द टू स्टेप कंसेप्ट. दिस कंसेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाई एसम मोहसिन, एन इंडियन साइकोलॉजिस्ट. अकॉर्डिंग टू हिम, एटीट्यूड चेंज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टू स्टेप्स. यहाँ पर जो एसम मोहसिन इंडियन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि जो एटीट्यूड चेंज है वो किसकी फॉर्म में आता है, आपके टू स्टेप्स की फॉर्म में होता है. इसमें दो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप्स, उसके बाद आपका दूसरा स्टेप होता है एटीट्यूड जब चेंज होता है. इन द फर्स्ट स्टेप द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स. और जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है, जो टारगेट होता है, अब यहाँ पर टारगेट को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. टारगेट क्या है, द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स. इसमें एक टारगेट है, वो किसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, सोर्स के साथ. अब टारगेट क्या है, द टारगेट इज द पर्सन हुज एटीट्यूड इज टू बी चेंज. यहाँ पर टारगेट एक पर्सन मान लेते हैं जो जिसका एटीट्यूड चेंज होना है, ठीक है. दिस द सोर्स इज द पर्सन थ्रू हुज इन्फ्लुएंस द चेंज इज टू टेक प्लेस. और वो जो सोर्स है वो क्या है, वो एक अनदर पर्सन है. उसका जो इन्फ्लुएंस है वो किस पर पड़ेगा, टारगेट पर पड़ेगा, और उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज होना है. अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो टारगेट है और ये जो आपका सोर्स है, ये दो लोग हैं. टारगेट आपका ए पर्सन है और आपका जो बी पर्सन है वो आपका सोर्स है. अब टारगेट जो है, टारगेट का कोई और एटीट्यूड है, लेकिन उसने देखा कि सोर्स जो है, सोर्स का जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करती है, उसकी पर्सनैलिटी से वो बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ रहता है, और वो सोचता है कि बहुत सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में अच्छी हैं, किसकी में, जो सोर्स भी है, और वो चाहता है कि उसको वो कॉपी करे. सो जो उसका एटीट्यूड है टारगेट का, ए पर्सन का, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, आपके बी पर्सन. बी पर्सन कौन है, यहाँ पर सोर्स है. ओके, आइडेंटिफिकेशन मीन्स दैट द टारगेट हैज़ लाइकिंग एंड रिगार्ड फॉर द सोर्स. आइडेंटिफिकेशन क्या है, अभी यहाँ पर आइडेंटिफाइज आया, ये वर्ड आया आपका. इन द फर्स्ट स्टेप द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स. अब आइडेंटिफाइज मीन्स क्या है, वो जो टारगेट नाम का एक पर्सन है, हमने इसको ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं टारगेट को एज अ पर्सन. तो वो जो टारगेट है वो कह रहा है, वो उसको कौन अच्छा लगता है, जो बी आपका सोर्स है, ठीक है. उसकी जितनी भी लाइक्स हैं वो उनको भी कॉपी करता है कि क्या क्या उसको अच्छा लगता है, कैसे वो क्या करता है, किस तरह की चीज़ों को वो पसंद करता है, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है सोर्स की चीज़ों को, ठीक है. सो शी और ही पुट्स हरसेल्फ और हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ द टारगेट. क्या होता है, जो आपका सेकेंड पर्सन यानी कि बी यानी कि सोर्स जो भी होता है, वो क्या करता है, अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई करता है, टारगेट के साथ. जो पहला पर्सन है वो देखता है कि ये बंदा उसको लाइक कर रहा है और मेरी चीज़ों को कॉपी कर रहा है, तो वहाँ पर वो भी उसको क्या करने लगता है, रिगार्ड देने लगता है. ओके, द सोर्स मस्ट ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टारगेट. अब उस क्या होगा कि जब ये सोर्स है वो देखेगा कि जो टारगेट है वो उसको कॉपी कर रहा है, उसको काफ़ी लाइक करता है, तो उसका भी क्या एक पॉजिटिव एटीट्यूड किसकी तरफ हो जाएगा, टारगेट की तरफ, जो टारगेट हमने इसको एक पर्सन के रूप में एज्यूम किया है. एंड द रिगार्ड एंड अट्रैक्शन बिकम्स म्यूचुअल. अब इन दोनों के बीच में, टारगेट और सोर्स के बीच में क्या हो जाएगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो जाएगा. वो उसको पसंद कर रहा है, वो उसको पसंद कर रहा है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं किसको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं है, ठीक है. अब ये तो था आपका पहला स्टेप. पहले स्टेप में क्या था कि एक टारगेट एक पर्सन है, उसने देखा कि जो सोर्स है एक दूसरा पर्सन है और वो उसकी पर्सनैलिटी को काफ़ी पसंद करता है, वो उससे काफ़ी प्रभावित रहता है, तो इसलिए जो भी चीज़ें वो करता है, जो भी जिस तरह का वो खाना खाता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ें वो कौन फॉलो करता है, टारगेट फॉलो करता है. अब जो सोर्स है उसको पता चलता है कि टारगेट जो है उसकी चीज़ों को कॉपी करता है, तो वो भी टारगेट पर ध्यान देने लगता है, क्योंकि वो उसके लिए एक रिगार्ड वाली जो फीलिंग होती है टारगेट को लेकर सोर्स के मन में वो आ जाती है, ठीक है. वो चाहता है कि उसका भी कोई नुकसान ना हो, अगर वो कोई चीज़ें ऐसी कॉपी कर रहा है, जो वो कर रहा है सोर्स,
तो अगर वो हार्मफुल हुई तो वो टारगेट को भी हार्म पहुंचा सकती हैं, इसलिए वो ध्यान देने लगता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करे जो टारगेट कॉपी करके टारगेट का कुछ नुकसान हो। ओके, इन द सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द सोर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ शोज एन एटीट्यूड चेंज बाय एक्चुअली चेंजिंग हिम और हर बिहेवियर टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। मीन अब यहाँ पर क्या करेगा, जो सोर्स है उसका जो अटैचमेंट है किसकी तरफ हो गया, टारगेट की तरफ हो गया। अब उसको लग रहा है कि वो मुझे कॉपी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर किसी गलत चीज़ की तरफ उसका एटीट्यूड है, कुछ गलत चीज़ें वो ले रहा है, खा रहा है या कुछ है, और उसको लग रहा है कि वो टारगेट भी उन चीज़ों को कॉपी कर रहा है, वो भी खा रहा है, पी रहा है, उन चीज़ों को ले रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि यहाँ पर मुझे एटीट्यूड चेंज करना है क्योंकि उस बंदे का भी हार्म हो रहा है जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका सोर्स है वो क्या करेगा, अपना जो एटीट्यूड है वो किसकी तरफ चेंज कर देगा, जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को वो कॉपी कर रहा है, जिसकी तरफ उसका झुकाव है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लाइक आपके क्रिकेट स्टार्स होते हैं या फिर सिने स्टार्स होते हैं, क्या होता है कि इनको ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं इसमें क्यों इतना प्रेफरेंस दी जाती है इन लोगों को, इसीलिए दी जाती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए क्या है, वो एक सोर्स है। हम लोग क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। सिने स्टार्स कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का जो है, कौन सी ड्रिंक ले रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या है, हम वही चीज़ें फिर खरीदते हैं कि उसमें महेंद्र सिंह धोनी था या सचिन तेंदुलकर ने कौन से सोप का ऐड किया था, तो वही सोप हम लेते हैं। तो वो क्या होता है कि जब इन लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिसकी वजह से जो उनके फॉलोअर्स हैं उनका नुकसान हो। ठीक है, तो अगर वो ऐसा कर रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि जिस तरफ वो एटीट्यूड अपना पॉजिटिव दिखा रहे हैं वो चीज़ें हार्मफुल हैं और उनको लोग कॉपी कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो लोग स्टेप टू में उस एटीट्यूड अपना चेंज कर लेंगे। ओके, ऑब्जर्विंग द सोर्सेज चेंज्ड एटीट्यूड एंड बिहेवियर द टारगेट ऑल्सो शोज एन एटीट्यूड चेंज थ्रू बिहेवियर। अब क्या होता है, ऑब्जर्विंग की प्रोसेस जब चलती है, आप देखते हो कि जो सोर्स है उसने देखा जो चीज़ें वो पहले यूज़ कर रहा था उसने उन चीज़ों को छोड़ दिया। अब टारगेट जो उसको कॉपी करता है, टारगेट ने देखा कि अरे इसका तो एटीट्यूड चेंज हो गया है, इसने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, इसका ऐड भी नहीं करता, इन चीज़ों को लेता भी नहीं है, उसके अगेंस्ट आ रही हैं, तो वो क्या करेगा, वो भी अपना एटीट्यूड चेंज कर लेगा और अपने बिहेवियर में क्या शो करेगा, उस चीज़ के प्रति निगेटिव एटीट्यूड दिखाएगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ इमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और ये क्या है, इमिटेशन किसके थ्रू हम कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बेस पर हम क्या सीख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से ये टू स्टेप एटीट्यूड आपका वर्क करता है। प्रीति रीड्स इन द न्यूज़पेपर दैट अ पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक दैट शी इंजॉयज इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। अब प्रीति एक गर्ल है, उसने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ी है कि एक जो सॉफ्ट ड्रिंक है जिसे वो पर्टिकुलर लेती है और वो क्या है, एक्सट्रीमली हार्मफुल है, वो जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। बट प्रीति सीज दैट हर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन एडवर्टाइजिंग द सेम सॉफ्ट ड्रिंक। अब लेकिन जो प्रीति है वो क्या देखती है कि जो उसका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है वो उस सॉफ्ट ड्रिंक की क्या कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसका। शी हैज़ आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द स्पोर्ट्स पर्सन। अब उसने क्या करा, अपने आप को आइडेंटिफाइड कर लिया किसके साथ, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, क्योंकि वो उसको पसंद करती है, उसकी लाइक और डिसलाइक वो सारी चीज़ें फॉलो करती है। तो ये सब क्या चल रहा है बेटा, अभी फर्स्ट स्टेप चल रहा है। ओके, एंड वुड लाइक टू इमिटेट हर हिम, और उस वो क्या करना चाहती है, उसको इमिटेट करना चाहती है, जो भी चीज़ें वो करता है वो इमिटेशन चाहती है उन चीज़ों में। नाउ सपोज द स्पोर्ट्स पर्सन विशेज टू चेंज पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। आप सोचिए, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ये चाहता है कि जो लोगों का एटीट्यूड है उस सॉफ्ट ड्रिंक को पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज करना चाहता है। द स्पोर्ट्स पर्सन मस्ट फर्स्ट शो पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर हर हिज फैंस एंड देन एक्चुअली चेंज हर और हिज ओन हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग दैट सॉफ्ट ड्रिंक। अब
अब यहाँ पर ये जो आपका स्पोर्ट्स पर्सन है वो क्या दिखाएगा, सबसे पहले उसको क्या दिखानी चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग दिखानी चाहिए अपने फैंस के लिए कि वो अपने उनके जो फैंस हैं उनके लिए उनका वेल विशर है और उनके लिए कुछ अच्छा सोचता है, अच्छा चाहता है। और उसके बाद वो क्या चाहता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी जगह वो क्या चाहता है कि आपका एक हेल्थ ड्रिंक प्रेफर करना चाहिए, उसको लेना चाहिए, हमें हेल्थ सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं पीना चाहिए जबकि हमें उसकी जगह क्या यूज़ करना चाहिए, हेल्थ ड्रिंक। इफ़ द स्पोर्ट्स पर्सन एक्चुअली चेंजेस हर हिज बिहेवियर इट इज़ वेरी लाइकली डैट नाउ प्रीति विल ऑल्सो चेंज हर एटीट्यूड एंड द बिहेवियर एंड स्टॉप कंज्यूमिंग द हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक। अब ये हो गया आपका स्टेप टू। इसमें क्या हुआ, जब उसने स्पोर्ट्स पर्सन ने अपना जो एटीट्यूड था, अपना जो बिहेवियर था उस सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर वो चेंज किया, तो अब क्या होगा, ये जो प्रीति है वो भी क्या करेगी, अपना जो एटीट्यूड और बिहेवियर है वो चेंज कर लेगी रिगार्डिंग सॉफ्ट ड्रिंक और स्टॉप कर देगी सॉफ्ट ड्रिंक को लेना। और उसके बजाय वो क्या करेगी, जिस हेल्थ ड्रिंक को लेने के लिए उस स्पोर्ट्स पर्सन ने कहा है वो उसको प्रीफ्रेंस देगी। सो दिस इज कॉल्ड टू स्टेप कंसेप्ट। ओके, सो देर आर थ्री कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज। द फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस प्रपोज्ड बाई फ्रिज हैदर। इसमें जो POOX ट्राइंगल था उसके थ्रू इन्होंने बताया फ्रिज हैदर ने कि अगर इन POOX ट्राइंगल में बैलेंस नहीं होगा देन एटीट्यूड विल चेंज, और अगर इनमें बैलेंस होता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एटीट्यूड चेंज करने की नीड नहीं होती। द सेकेंड कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसको किसने प्रपोज किया था, लियोन फेस्टिंगर ने। और जो बेसिक आइडिया था आप ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस का, वो क्या था कि एक तरह का थॉट, अगर एक ही तरह का थॉट है कोई, ठीक है, तो उसके किसी भी पर्टिकुलर कॉग्निटिव एटीट्यूड को लेकर तो वहाँ पर क्या है, उसमें क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है कभी तो वो निगेटिव हो जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड को लेकर। तो अगर ऐसा है तो वहाँ पर क्या होगा, किसी न किसी एटीट्यूड को आपको चेंज करना पड़ेगा, जो आपका कॉग्निशन है उसको या तो निगेटिव होना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस को आपकी निगेटिविटी हैंडल करनी पड़ेगी, या फिर करनी पड़ेगी आपकी पॉजिटिविटी। तो या तो निगेटिव हो सकते हैं आप या पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों तरह की चीज़ों को साथ में लेकर नहीं चल सकते। तो ये था आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें क्या बताया था कि कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी मस्ट है, अगर कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, एटीट्यूड चेंज ज़रूर होगा। और जो आपका थर्ड कंसेप्ट था वो क्या था, द टू स्टेप कंसेप्ट। उसको मोहसिन ने दिया था, एच मोहसिन ने दिया था, उन्होंने ये बताया था कि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो बड़ी डिग्निटीज़ होते हैं, उनको क्या करते हैं लोग फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि उन्होंने इस तरह से बताया कि अगर वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ कर कि हाँ उनको लोग फॉलो कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो अपना जो एटीट्यूड है किसी हार्मफुल चीज़ को लेकर अगर वो एटीट्यूड चेंज करेंगे तो जो सोर्स, जो टारगेट होगा, जो लोग उनको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी इमिटेशन करेंगे, और इमिटेशन के बेस पर जो उनका एटीट्यूड है वो चेंज होगा। सो ये तीनों कंसेप्ट आपके किससे रिलेटेड थे, एटीट्यूड चेंज से रिलेटेड थे, कि हमारा एटीट्यूड क्यों चेंज होता है, क्या रीजंस हैं उनके, किस कंसेप्ट को लेकर जो एटीट्यूड चेंज है उसका फॉर्मेशन होता है। सो ये तीनों ही आपके जो एटीट्यूड हैं, जो कंसेप्ट हैं एटीट्यूड चेंज के, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। बेसिकली इन तीनों का जो बेसिक आइडिया वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बिकॉज मैनी ऑफ द क्वेश्चन विल फॉर्म इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस सेक्शन। ओके, सो ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और किसने कौन सा कंसेप्ट दिया था, किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा कंसेप्ट प्रपोज किया था, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके,